हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में है। एंड आई होप कि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस टॉपिक से। तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री को मिले सारे अवार्ड के बारे में मैं बताऊँगी, तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड सऊदी अरब ने दिया। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया। इस अवार्ड का नाम है किंग अब्दुल अजीज़ सैस अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें 3 अप्रैल 2016 को दिया गया। कुछ जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। जैसे कि इस अवार्ड का नाम आधुनिक सऊदी राज्य के संस्थापक अब्दुल अजीज़ अल सऊद के नाम पर रखा गया है। और ये अवार्ड सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं मिला है, कई और लोगों को मिला है। जैसे राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी मिला है, ब्रिटिश की प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को मिला है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को भी ये अवार्ड मिला है। अगला अवार्ड इन्हें अफगानिस्तान के देश ने दिया है। इस अवार्ड का नाम है अमीर अब्दुल्ला खान पुरस्कार। ये अवार्ड अफगानिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 जून 2016 को दिया है। अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड अफगान सरकार द्वारा अफगान सरकार के साथ विदेशियों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार अफगानिस्तान के राष्ट्रीय नायक अमानुल्लाह खान के नाम पर है, जिन्होंने अफगानिस्तान की आज़ादी का कारण बताया था। तो अगला अवार्ड जो है वो हमारा, वो फिलिस्तीन सरकार ने दिया है। फिलिस्तीन सरकार ने 10 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड से नवाजा। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये ग्रैंड कॉलर अवार्ड क्या है। इसके बारे में ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीन का सर्वोच्च आदेश है, जो कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों जैसे कि किंग, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष और समान पद के व्यक्ति को दिया जाता है। पिछले पुरस्कारों में सऊदी अरब के राजा सलमान, बहरीन के राजा अहमद, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को दिया गया था। तो अगला अवार्ड देख लेते हैं। अगला अवार्ड है हमारा, यूनाइटेड नेशंस ने दिया। इस अवार्ड का नाम है द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया अक्टूबर 2018 को। ये सिर्फ इन्हें ही नहीं दिया गया, इनके साथ साथ इमैनुअल मैक्रॉन को दिया गया, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। और हाँ, कोचीन एयरपोर्ट को भी अवार्ड दिया गया। तो 3 लोगों को मिला चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज के असाधारण आंकड़ों का जश्न मनाता है, जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को सौर ऊर्जा के पैमाने के लिए वैश्विक साझेदारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अग्रणी काम करने के लिए नेतृत्व श्रेणी में चुना गया था, इसलिए इन्हें सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला अवार्ड मालदीव देश ने दिया। इस अवार्ड का नाम है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। और हमारे प्रधानमंत्री ये अवार्ड प्राप्त करने वाले 7वें प्राप्तकर्ता हैं। अगला पुरस्कार है सियोल पीस प्राइज फॉर मोदीनॉमिक्स। प्रधानमंत्री मोदी को 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किया हमारी दक्षिण कोरिया ने। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 14वें प्राप्तकर्ता बन गए हैं। सियोल शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सियोल शांति पुरस्कार जो है वो 2019 में सोल कोरिया में आयोजित 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के उपलब्ध में स्थापित किया गया था। इसमें 160 राष्ट्रों की भागीदारी देखी गई, जिसमें सद्भाव और मित्रता का निर्माण हुआ। अब कुछ अन्य जरूरी बातें जान लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हैं। जैसे कि मार्च 2012 में मोदी जी टाइम मैगजीन की एशियाई संस्करण के कवर पर दिखाई दिए थे। और 2014-2016 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए टाइम मैगजीन रीडर पोल के विजेता भी घोषित किया गया। मोदी जी 2018 में ट्विटर पर राज्य के तीसरे सबसे अधिक फॉलो करने वाले प्रमुख थे। फिर 2016 में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम लंदन में मोदी जी की मोम प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो ये था कुछ मोदी जी के बारे में। मोदी जी हमारे बहुत ही गतिशील नेता हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व से विश्व नेतृत्व को प्रभावित किया है। यही कारण है कि पूरी दुनिया देश में होने वाली हर घटना पर ध्यान दे रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।